तो बच्चों चैप्टर 4 विद्युत धारिता में आज का टॉपिक है अपना गोलीय संधारित्र। इससे पहले हमने जो पूरा पढ़ा था वो था समांतर प्लेट संधारित्र। उसमें दो समांतर प्लेटें रखी हुई थी और उसमें से एक प्लेट के बाहरी सतह को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं, भूसंपर्कित कर देते हैं। आज गोलीय संधारित्र की बात कर रहे हैं। तो गोलीय संधारित्र में क्या होता है, ये दो सकेंद्री गोले होते हैं लगभग समान आकार के। इनके बीच में इतनी डिस्टेंस आपको दिखा रहा हूं लेकिन इतनी होती नहीं है, एक्चुअली इससे कम होती है। ठीक है, तो ये दोनों सकेंद्री हैं, सकेंद्री गोलाकार चालक हैं, सकेंद्री व समान लगभग समान आकार है इनका, मतलब बहुत पास पास हैं ये, व समान आकार के दो गोलाकार चालक हैं ये, जिनसे ये बनता है, दो गोलाकार चालक। ठीक है, जिससे इस गोली संधारित्र बनता है। सकेंद्री मतलब इनका केंद्र सेम है और आकार लगभग बराबर है। अब हम अंदर वाले गोले को पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, जो अंदर वाला गोला है इसको हम पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं प्लस क्यू। इस पर कितना चार्ज दे दिया, प्लस क्यू। तो इस पर प्लस देते ही जो बाहर वाला गोला है उस पर अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अंदर नेगेटिव आ जाएगा और बाहर पॉजिटिव आ जाएगा। उस पॉजिटिव को बाहर निकाल देंगे पृथ्वी में, इसको भूसंपर्कित कर देंगे ताकि ये बाहर चला जाए। ये पृथ्वी के बाहर चला गया, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया। अच्छा, जो पहला वाला गोला है छोटा, उसकी त्रिज्या है आर ए, और बड़े वाले गोले की त्रिज्या मान लेता हूं मैं आर बी। दो गोले हो गए, ये पूरा गोलाकार संधारित्र आपका बन गया। समझ गए, सकेंद्री और समान आकार के दो गोलाकार चालक हैं। ये जो अंदर वाला चालक है इसकी सतह पर पॉजिटिव आवेश है, धनात्मक आवेश है, जिससे जो बड़ा चालक है उसकी अंदर वाली सतह पर नेगेटिव आवेश आता है और बाहर वाली पर पॉजिटिव आता है। जो बाहर वाली पर पॉजिटिव होता है उसको पृथ्वी से संपर्कित करके पृथ्वी में पहुंचा देते हैं, जैसे कि हमने समांतर प्लेट संधारित्र में भी पॉजिटिव आवेश को पृथ्वी में पहुंचा दिया था। तो ऐसा करने से ये हमारा जो बना, अब ये कहलाएगा गोलीय संधारित्र, क्योंकि इसमें गोले हैं। तो ठीक है, ये ध्यान रखना, वृत्त नहीं है, चित्र में तो वृत्त लग रहे हैं ना 2D है, इसलिए बाकी है कैसे, ये गोले हैं दोनों। ठीक है, अब हम इसकी धारिता निकालने के लिए सबसे पहले हम डायरेक्ट विभव निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे चालक ए की सतह पर विभव, गोलाकार चालक लिख सकते हो, गोलाकार चालक ए की सतह पर विभव, गोलाकार चालक ए की सतह पर विभव वी ए। तो वैसे फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर होता है, ये ध्यान रखना, विभव का फॉर्मूला जो हम प्रयोग करेंगे के क्यू अपॉन आर। ठीक है, तो के क्यू की जगह इस पर आवेश कितना है छोटे वाले गोले पर, क्यू कैपिटल क्यू अपॉन इसकी त्रिज्या कितनी है आर ए। तो ये तो हमारे पास ए का, ए के सतह पर विभव आ गया। अब बी की सतह पर ये ए गोला है, ये बी गोला है, दोनों इस पर प्लस क्यू आवेश है, इस पर माइनस क्यू आवेश है, अंदर प्रेरण से आया ना ये आवेश, तो प्रेरण से अगर ये प्लस क्यू है तो अंदर वाली सतह पर माइनस क्यू आवेश ही आता है। तो गोलाकार चालक, अब दूसरा जो चालक है गोलाकार चालक बी की सतह पर विभव, इन दोनों की सतह लगभग आसपास ही है, सतह पर विभव वी बी बराबर के माइनस क्यू, इसका विभव इसका आवेश माइनस में आएगा इसलिए विभव भी माइनस में आएगा, अपॉन आर बी। तो वी बी हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन आर बी। ठीक है, कुल विभव इनके मध्य में, अगर कुल विभव की बात करें कि इनके मध्य भाग में कितना विभव उत्पन्न हुआ, तो दोनों विभव को प्लस करोगे, मैंने पहले भी बताया था, लेकिन एक विभव होगा पॉजिटिव के क्यू अपॉन आर ए और दूसरा होगा नेगेटिव माइनस के क्यू अपॉन आर बी। तो ये के क्यू कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा वन अपॉन आर ए माइनस वन अपॉन आर बी। और यहां पर हम इसको लिख देंगे v इज इक्वल टू k को हम लिख देंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसमें से r a r b को एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा r b माइनस r a। तो इस तरीके से हमारे पास विभव का फॉर्मूला 1 नंबर में आ जाएगा। ठीक है, एक बार और समझ लो, बिल्कुल सिंपल सा डेरिवेशन है। सबसे पहले हम दोनों चालकों के विभव, जो सेंटर मध्य भाग में विभव है वो निकालेंगे, इन दोनों के मध्य भाग में कितना विभव है। तो पहले ए का विभव निकालेंगे इस फॉर्मूले का प्रयोग करके, के क्यू अपॉन आर ए, क्योंकि इस पर प्लस आवेश है तो प्लस में रखा है, इसकी त्रिज्या आर ए,
और गोलाकार चालक बी की सतह पर विभव निकालेंगे, तो इस पर विभव माइनस, इस पर आवेश माइनस में है, ठीक है, तो माइनस में रखेंगे, और इसकी त्रिज्या है आर बी, आर बी लिख लेंगे, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन आर बी, इन दोनों को ऐड करके कुल विभव निकाल लेंगे, दोनों का फॉर्मूला ये माइनस में है इसलिए अपने आप माइनस आ जाएगा यहाँ पर, के क्यू कॉमन लिख ले लेंगे, वन अपॉन आर ए माइनस वन अपॉन आर बी, के को वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लेंगे, तो ये क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसमें से आर ए आर बी एलसीएम ले लेंगे, तो आर बी माइनस आर ए, ये इस तरीके से जब हमारे पास विभव आ जाएगा, अब हम धारिता निकाल सकते हैं, आपको बताइए, तो धारिता निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे वो देखो, धारिता के लिए तो अब आपको बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, C बराबर Q अपॉन V, ठीक है, तो C बराबर Q अपॉन, और V की वैल्यू डाल देंगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी माइनस आर ए अपॉन आर ए आर बी, Q से Q कट हो जाएगा और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चल जाएगा, आर ए आर बी भी ऊपर चला जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए आर बी, ये पूरा अपॉन में था ना सबसे नीचे, ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है ऐसे का ऐसा, और इधर आ जाएगा आर बी माइनस आर ए, तो ये हमारे पास धारिता का फॉर्मूला आ गया, गोलीय संधारित्र की धारिता, कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं इसका, तो ये तो निर्वात में आया, अगर ये निर्वात में उपस्थित हो तो दोनों गोले, और अगर माध्यम में हो तो माध्यम की उपस्थिति में क्या रहेगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, माध्यम की उपस्थिति में क्या होता है, ये एप्सिलॉन नॉट के साथ हम क्या लगा देते हैं, फ्री में एप्सिलॉन आर लगा देते हैं, बस यही करना होता है, एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर को लगा दोगे तो ये माध्यम में धारिता आ जाएगी, जब भी आपसे इसका सूत्र पूछा जाए तो आप ये दोनों सूत्र लिखना, निर्वात का भी और माध्यम का भी, ताकि आपका नंबर कटने के कहीं चांस ना हो, तो समझ गए गोलीय संधारित्र क्या होता है, उसका विभव कैसे निकाला जाता है, फिर विभव निकाल के धारिता कैसे निकालते हैं, निर्वात में धारिता के बाद माध्यम में धारिता किस प्रकार से निकाली जाती है, और ये ध्यान रखना माध्यम में धारिता हमेशा निर्वात में धारिता से अधिक होती है, तो माध्यम में जो भी धारिता होगी वो निर्वात में धारिता से सदैव अधिक होगी, तो आज का आपका गोलीय संधारित्र का टॉपिक है, अगले वीडियो में मैं आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पूरा समझाऊंगा ढंग से डिटेल में, इसको देख लो आप ध्यान से।